यूपी के दो शहरों में नाबालिग के साथ हैवानियत, नशा देकर नाबालिग के साथ की दरिंदगी। अपने ननिहाल जाने के लिए लड़की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी तीन वेंडर ने धोखे से उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया और बारी बारी से उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये खौफनाक वारदात यूपी के महाराजगंज से सामने आई है, जहां पर एक 17 साल की युवती के साथ तीन युवकों ने दरिंदगी की और उसे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। जख्मी हालत में घर पहुंची पीड़िता को देखकर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गए। बेटी की आप बीती सुनकर परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को तहरीर दी। लड़की के साथ में वो बेंडर और उसके दो अन्य साथियों ने बलात्कार किया है, जैसा कि तहरीर में लड़की के पिता ने लिख करके दिया है। इस संबंध में थाना कोठीबाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और दो व्यक्तियों को जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के ही मुजफ्फरनगर से भी महज 14 साल की बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक गांव के ही तीन दरिंदों ने पहले तो घर में सो रही बच्ची को अगवा किया और फिर जंगल में सुनसान जगह ले जाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। काफी देर बाद भी जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की, तो बच्ची को घायल अवस्था में जंगल से घर लाया गया। साथ ही बच्ची के परिजनों ने एक मुख्य आरोपी को मौके से काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, ये थानाध्यक्ष सिखेड़ा को सूचना मिली थी रेप के संबंध में और तुरंत मौके पर जाकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल भेजा गया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और बाकी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक देश की बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती रहेगी।